जहां पांचवें चरण के मतदान में 5 दिन बाकी हैं। 20 तारीख को पांचवें चरण की वोटिंग है और 20 दिन बाद देश को जहां चुनाव का नतीजा पता चलना है, उससे पहले नंबर गेम शुरू हो चुका है। नंबर गेम अपनी अपनी सीट और बहुमत बताने का, नंबर गेम दूसरे की कम सीटें आने के दावे का। जहां एक तरफ बीजेपी है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 पार कोई नारा नहीं, हकीकत है। गृह मंत्री 4 चरण की वोटिंग के बाद ही बहुमत आने का दावा कर चुके हैं और तब विपक्ष की तरफ से बीजेपी के 140 से 200 सीट पर सिमटने का दावा किया जा रहा है। साफ देख रहा हूं कि देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। एबार यदि जिज्ञेस करें दीदी खबर की आछे कि जो आमी बोली है खबर आछे जब्बर खबर। हवा बदल माने की? हवा बदल माने फोटो एंट्री गारंटी बदल होच्छे। क्यों भय बोलते पाच्छे क्यों पाच्छे ना। एखोनो पर्यंत जा मोटामुटी एसछे थार्ड फोर्थ फेज होये गेछे, ताते 195 থেকে 200 মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। এই 380 সিট में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। दूर नहीं, अब तो पास है, 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा। अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं तुरंत आके बोल दिया नहीं नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। आप कहां से आए हैं? तिहार से। तिहार में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले हैं? नरेंद्र मोदी डाले हैं। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। अभी केजरीवाल जी दिल्ली बिहार से आते ही बोला मोदी को 200।